नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सतना नर्सरी में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डहलिया के सीड्स को हम किस प्रकार सीडिंग ट्रे पर उगाएंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ये छोटी सी प्लेट में कुछ डहलिया के सीड्स हैं जिन्हें मैं अपने सीडिंग ट्रे पर उगाऊंगा। तो उगाने की सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम देखेंगे, आप बस इस वीडियो पर बने रहें। आज मैंने इसी तरह एक प्लेट पर सनफ्लावर के सीड्स धूप में सूखने के लिए डाले थे, जिसे गाय खा गई। ये बहुत देखने में मुझे अजीब लगा। ये बहुत अजीब सा इंसिडेंस है कि गाय के द्वारा मेरे सूरजमुखी के सीड्स को खा लिया गया, जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी इस बात पे। तो दोस्तों, हम अब बात करेंगे सीडिंग ट्रे के बारे में, जिसमें हमें इन्हें डहलिया के सीड्स को उगाना। डहलिया के सीड्स बहुत ही लगाना आसान है। आप जैसा मेरे हाथों पे देख पा रहे होंगे, इसका नोक वाला जो हिस्सा है, इसे क्या है, मिट्टी की तरफ गड़ाना है। सीड्स को इतना नीचे तक गड़ाना है कि इसका डबल भाग रहे। जैसे मान लीजिए सीड आधा इंच का है, तो उसे एक इंच तक गड़ाना है। इस प्रकार हम सारे सीड्स को गड़ा देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। बाकी की सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिल ही रही है। आप बस इस सीड्स को क्या है, ग्रो करने के लिए इसे आप ज़्यादा टाइट से मत दबाइएगा, हल्के हाथ से दबाइएगा, नहीं तो इसे उसका टूटने का खतरा रहेगा, जिससे क्या है, इसमें कोई सीड्स नहीं उग पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मेरा बेटा यहाँ परेशान है, उसे इन सब चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है। तो दोस्तों, डहलिया के सीड्स को हम ग्रो करने के लिए इन सीडलिंग ट्रे पर सीडलिंग कर रहे हैं। जैसे ये उग आएगा तो मैं आपको इसका दूसरे वीडियो में अपडेट बताऊंगा। आपको इसे हल्का हाथों से पानी भी देना है, सींचना है। जब तक ये उगता नहीं है, तब तक आप इसे छायादार वाली जगह पर ही रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इसे बिल्कुल ना रखें। सीड्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि आपने जो सीड्स लगाए हैं, बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि पानी डालने से वो बाहर आ जाते हैं या फिर ग्रो नहीं करते। ग्रो करते हैं तो उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ऊपर की तरफ रहती हैं, सीड्स पर धीरे धीरे सूख जाता है। ऐसी तमाम जो शिकायतें हैं उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको बस सीड्स को बहुत ध्यान से जर्मिनेट करने के लिए उसे ट्रे पर लगाना है। लगाने के बाद उसे हफ्तों इसी तरह आप छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे वो ग्रो करना चालू कर देगा। जैसा कि देखिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सीड्स मैंने इस पर लगा दिए हैं। संभवतः इनमें से बहुत सारे सीड उगेंगे और बहुत सारे नहीं भी उगेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने सीड्स उगते हैं। मगर आप दोस्तों मेरे बताए गए तरीके से ज़्यादातर सीड्स को आप ग्रो कर पाओ। पानी डालने के लिए इस तरह की बोतल का यूज करें। देखिए, एक इस तरह पानी डालें, इसमें इस तरह पानी डालने से क्या होगा, ये पानी डालने से क्या होगा, इस तरह की सीड्स को जो है, सारे सारे सीड्स को पानी तो मिल जाएगा मगर सीड्स उखड़ कर बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।